ओ अरे भाई। सो हेलो भाई लोग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सभी कोई ठीक होंगे। एंड गाइस, मेरा नाम है रुपेश चौधरी, मैं हूँ झारखंड के हजारीबाग जिले के एक छोटे से सिटी बरी से। अभी ना भाई, हम घूमने के लिए यहाँ पे आए थे जो नीलकंठ होता है ना, तो उसको देखने के लिए। बट यहाँ का जो रास्ता है ना, ब्लॉक है सामने से, तो मुझे यहाँ से अभी रिटर्न जाना पड़ेगा। गाइस, हम आए थे लश्करी साइड में, आगे लश्करी है और यहाँ पे देखो पूरा ब्लॉक कर दिया है और अभी काफ़ी शाम भी हो चुका है। तो गाइस, साथ में पवन भी आया था। एक्चुअली ना, ये यहाँ पे अपने खेतों में थोड़ा काम कर रहा था, तो मैं वहीं पे आया था, तो सोच रहा इधर घूम लूँ। बट यहाँ तो अभी ब्लॉक है और भाई सामने का लोकेशन ना बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। अभी शाम हो चुका है ना, तो सन का जो लोकेशन है और सीन है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अभी आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है देखने में भाई। मतलब लोकेशन एक नंबर है। और पता है उसके साइड में जो वो दिख रहा है ना बाउंड्री के साइड में, तो वहाँ पे ग्राउंड था, तो हम फुटबॉल खेलने के लिए भी आते थे। और शाम हो चुका है ना, तो ये देखो सारा जानवर भी रिटर्न अपना घर जा रहा है। ओ भाई, किधर जा रहा है? हाँ, तो भाई पवन का कॉल आया है, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। देखो तो चलते हैं अभी पीछे पीछे इसका, क्या करता है। और भाई यहाँ का भी लोकेशन ना बहुत ही ज़्यादा मस्त है। ये देखो पूरा खुला सा है, साइड साइड में पूरा जंगल है। सो गाइस, आज ना दुर्गा पूजा है ना, तो हम अभी जा रहे हैं घर। और मस्त, पता मैंने कपड़े भी नहीं लिए, इतना ज़्यादा बिजी था तो मैंने कपड़े भी नहीं लिए। तो मैंने सोचा कि आज कपड़े लेंगे, फिर सोचा यार आज लेके क्या फ़ायदा, तो हम लेंगे सीधा छठ में, तो आज नहीं लेंगे। मेरे पास ना कपड़े हैं बहुत सारे एक्चुअली पड़े हुए, तो वही पहन लेंगे आज। एक दिन के लिए क्या ही कपड़ा लेना। तो अभी हम जा रहे हैं घर पे, पहले इसके खेत पे जाएंगे, वहाँ से हम सीधा घर जाएंगे और फिर मार्केट साइड में जाएंगे घूमने के लिए, और उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग रात में घूमने के लिए। तो ब्लॉग में प्लीज़ बने रहना, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जाके, बहुत ही मस्त ब्लॉग है यहाँ पे। तो चलते हैं फिर। तो गाइज, अभी हम ना पवन के खेत पे पहुँच चुके हैं, तो उनके जो मम्मी और पापा है ना, तो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, मतलब लास्ट ही बचा है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ दूर से, सामने तो सामने जाएगा क्या ना, तो सामने नहीं जाने वाले हैं, हम इधर ही दूर से दिखाते हैं। तो गाइज, आप देख रहे हो ना रेड रेड वाली, तो वही पवन की मम्मी है, तो वही अभी वहाँ पे काम कर रही है। अभी सामने जाएंगे तो हम लोग को फिर फंस जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग साइड से निकल रहे हैं। गाइज, आपको ये जो कुआं दिख रहा है ना, तो इसी से पूरा जो इधर 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 जितना भी खेत है ना, तो इसी से पानी को सप्लाई किया जाता है और खेतों में डाला जाता है। ये देख सकते हैं कितना गहरा है, अभी भी पानी भरा हुआ है पूरा। और पवन यहाँ से दिख रहा है, तो डर नहीं लगता भाई। वो हमारा सिकंदर भाई, और वहाँ पे सिकंदर भाई है, वो देखो सामने में। तो गाइस अभी चलते हैं, हाय कर दो भाई। ये देखो वो भी काम कर रहा है भाई। अभी पवन का एक ये भी खेत है, जो कि यहाँ पे ये वाला में तो आलू लगा, बाकी इसके बगल वाला में गार्लिक और जितना ऑल टेटल दिख रहा है ना, वो सब में आलू लगा हुआ है। तो अभी मम्मी पापा आपके चल गए ना? हाँ। तो हम भी चलते हैं भाई मेला देखने के लिए, बहुत लेट हो रहा है हम लोग के लिए। इस पवन के घर पे कुछ मेहमान आए हैं, इनका मौसी का बेटा लोग, तो देखो यहाँ पे नंबर डायल करता है, बोलता है बेबी तुम जा, हम बंदे लोग को बुला रहे हैं, है ना भाई? कहाँ से हो भाई वैसे तुम लोग? राजगंज। देखो राजगंज से इन लोग, हंस क्यों रहा है भाई, अच्छा नहीं लगा क्या? गजब बेइज्जती है। तो गाइस अभी ना हम पहुँच चुके हैं इरशाद भैया के पास, और पता है अभी सो के उठे हैं, अभी जस्ट सो के उठे हो ना दिखने में, देखो अब पकड़ के क्या बोलो भाई, दिखाने का लाइक नहीं है। तो अभी हम मार्केट जा रहे हैं, बट मिल नहीं है, थोड़ा सा रास्ते में मिले भाई। आप देख रहे हो ना हमारा बाल भी कैसा, तो अभी पता है हम सिर्फ डेमो देखने के लिए जा रहे हैं कि वहाँ का क्या सीन है मार्केट का, तो देखने के बाद फिर आके मस्त रेडी होके फिर जाएंगे, है ना भाई? यस। अभी देखते हैं अगर कुछ वैसा कपड़ा मिल जाए तो हम फिर कपड़े भी कपड़े मिल जा रहा है नहीं, अब देखते हैं बस ऐसा ही। अभी हम ना ब्लॉक के अंदर पहुंच गए हैं, जहाँ पे रावण को भी खड़ा कर दिया जा रहा है। तो भाई अभी इसको खड़ा करने का कार्यक्रम चल रहा है, और यहाँ पे दो दो रावण अभी और पड़े हुए हैं, मतलब इसका जो भाई लोग है। और अभी देखो पूरा फुल क्राउड है यहाँ पे, देख सकते हो इधर और इधर उधर लाइट लगा हुआ है वहाँ पे। और अभी यहाँ पता है शाम को बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। पे विपुल भी पहुँच गया, खुद को रावण बोल रहा है। थैंक यू ब्रो। आप पवन भी आए भाई, साथ में आए थे ना, आप जानते हो। तो भाई आप देख सकते हो ये खड़ा हो चुका है, और बस ये दोनों को खड़ा करना है। तो यहाँ पब्लिक का पूरा भरमार मात्रा में पूरा, मतलब कि क्राउड हो चुका है अभी।
गाइस अभी हम ना मेले में पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं रावण दहन में, तो अभी ब्लॉग जाएंगे ठीक है, तो चलते हैं फिर वहां देखते हैं क्या सीन है वहां का। हम ना अभी बर्गर खाने के लिए आए थे, पूरा आधा घंटा लगा हमारे ऑर्डर निकालने में, जो पहले ऑर्डर निकाला था ना वो कहीं और पे दे दिया, तो अभी फाइनली आ चुका है हमारा बर्गर। गाइस हमारा बर्गर, अब चलो खाने के लिए, बहुत कस के भूल लगा था ना भाई तुमको, तो चलो भाई खा लो। अभी हमने अभी एक एक लस्सी खरीद लिया है तो पियेंगे मस्त अभी। तो ये मैं भी यही लिया, सेम लिया हम लोग गए तुमको भाई। यहाँ पे सर्वे पवन और भी बहुत, तो इन लोग फैमिली के साथ में आया है, बट हम तो अकेले घूम रहे हैं। चिलो इधर आ, इधर आ, इधर जाओ जाओ। क्या कर रहा भाई तू इसको? रो भाई, क्या कर रहा है इसको? ये देखो भाई, ये तो रो रहा है। भाई अभी हम ना ब्रेक डांस पे बैठने वाले हैं, तो अभी भीड़ है तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम अंदर जाएंगे। फाइनली हम यहाँ पे बैठ चुके हैं और थोड़ा बहुत तो डर लग रहा है, बट हमारा ये फर्स्ट राउंड होगा यहाँ पे, तो देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है यहाँ का। ओ भाई बहुत खतरनाक लग रहा है, कैसा लग रहा है भाई? ओ बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था, कैसा लग रहा था भाई तुमको? बढ़िया लग रहा था। तो भाई अब हम जा रहे हैं घर, तो जैसे बंद होगा वैसे हम घर जाने वाले हैं, थोड़ा बहुत तो चक्कर भी लग रहा है हम लोग को, तो फिर अभी सीधा चलते हैं घर पे और वहीं पे ब्लॉग बनाएंगे। तो गाइस अभी हम ना मेले से बाहर आ चुके हैं, तो अभी यहीं पे ब्लॉग एंड करता हूँ। आई होप कि आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो। मिलते हैं एक अच्छे से कॉन्टेंट के साथ, तो अभी के लिए बाय बाय।